जयपुर से हैं मैं डॉक्टर रावत चौधरी, और आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में बीच बीच में कुछ सक्सेस स्टोरीज लाता हूँ। ये वो सक्सेस स्टोरीज होती है जिसमें कोई ऐसी टफ डिजीज जिसको मान लिया जाता है कि बीमारी ठीक अब हो ही नहीं सकती, या ऐसी बीमारी जिसके लिए माना जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, तो ऐसी बीमारियां जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से हमारे यहाँ ठीक होती है, तो ऐसे केसेस मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। कई बार विद रिपोर्ट्स में आपके साथ ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, और कई बार जो पेशेंट होते हैं वो खुद अगर ठीक होते हैं और उनकी इच्छा होती है कि सर ऐसी अगर टफ डिजीज ठीक हुई है तो मैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी बीमारी अगर उनको भी है तो वो लोग भी अपने पास में जाके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे ऐसे लोगों को भी फायदा हो। फ्रेंड्स, आज ऐसा ही कुछ है। हमारे साथ भीलवाड़ा से है नारूनाथ जी, और नारूनाथ जी भीलवाड़ा से है, और इनको कोरिया है। कोरिया एक ऐसी बीमारी होती है, आप कह सकते हो न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम की बीमारी है जिसमें न्यूरोमस्कुलर सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी नर्व और मांसपेशियों में कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं शरीर के अंदर जिसमें आपके शरीर में लगातार कंपन होने लगती है, आपका शरीर कांपने लगता है। और नारूनाथ जी की फैमिली के अंदर ये डिजीज जेनेटिकली चल रही थी, मतलब अनुवांशिक फैमिली हिस्ट्री, इनकी नानी जी को ये बीमारी थी, इनकी मदर को ये थी। 500 आदमी खत्म हो गया ऐसे समझ लो। इनके कहने का मतलब है इनके परिवार, इनके ननियाल के अंदर जो है नाना और उधर मामा मामी वगैरह, ननियाल पक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग ये जेनेटिक स्थिति, जहाँ बहुत से लोग अल्टीमेटली मतलब उनकी डेथ ही हो गई इस बीमारी से, परेशान हो गए लेकिन वो ठीक नहीं हुए। और हमारे पास जब ये आए थे तो इनको भी इतना सीवियरिटी तक ये कोरिया था, शरीर में कंपन था कि बिस्तर पे सो नहीं पाते थे। सोएंगे तो भी ऐसे लोगों को इतना कंपन होता है कि सोना मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोग पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, हाथों में इतना ज्यादा ट्रेमर से कंपन कह सकते हैं। और हमारे पास नारूनाथ जी आए थे, और उसके बाद में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और इनको बहुत तेजी से रिकवरी, आज भी आप देख रहे हैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे, कोई कंपन नहीं था। जब ये पहली बार आए थे मुझे आज भी याद है, इनका पूरा शरीर जो एक तरह से आप कह सकते हो वाइब्रेट मोड पे था, पूरे शरीर में कंपन थी, आज बिल्कुल ठीक है। मैं इधर उधर सामान को इधर उधर पटक देता, गिलास को पकड़ता तो उधर को फेंक देता, बिस्तर सोता तो उधर फेंक देता, पानी भी चित्र नहीं पी जाता था। हमें कोटा में इलाज करवाया था एरिया, एक साल से उसमें कोई आराम नहीं आया था। अजमेर के अंदर भी मेरे जाँच करवाई थी, उसमें भी कोई आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर साहब के पास आया मैं, यहाँ मैं 6 महीना में ठीक हो गया। ये कंपन की बीमारी बहुत खतरनाक है, मेरे नाना मामा सब खत्म हो चुके हैं सब। और डॉक्टर साहब के पास आया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये नारूनाथ जी ने अपना जो मैसेज कहा है आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, इनका कहने मतलब ये था कि जब ये आए थे तो पानी भी नहीं पी पाते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे, क्योंकि सीधा हाथ में इतना ज्यादा कंपन था कि इनके लिए खाना पीना तक मुश्किल हो रखा था। और काफी जगह नेचुरली कोई भी आदमी बीमार होगा तो अपने आस पास में जाके ट्रीटमेंट लेगा, इन्होंने काफी कई तरह के ट्रीटमेंट लिए थे बट इनको कोई रिलीफ नहीं मिला, और यही बताया कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बच्चा बच्चे भी भाग गए, लड़कों दूसरी जगह चली गई, मेरे बच्चा बच्चे को ले गए मेरी औरत, उनको भी मतलब इनके कहने मतलब है इनकी फैमिली के अंदर भी अब इतना दिक्कत हुई कि जो जेनेटिक जो फैमिली हिस्ट्री थी ये इसकी कोरिया की, उसके कारण जो है वाइफ वगैरह और भी है अभी इनको छोड़ के चले गए, वो ये डिजीज आगे से आगे प्रोग्रेसिव है तो हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हो इस बीमारी की सीवियरिटी को, कि फैमिली में कही होगी मतलब इस हद तक रहा कि अल्टीमेटली कई डेथ्स हो गई बट कोई रिकवर नहीं हुआ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं और नारूनाथ जी आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं, और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोग शेयर करें। शेयर इसलिए करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक अवेयरनेस फैले कि हाँ अगर कोरिया की बीमारी है, कंपन की बीमारी है, तो उसके अंदर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें, और जिस तरह से नारूनाथ जी ठीक हुए इसी तरह से और भी बहुत से लोग ठीक हुए, तो आप जहाँ भी लेंगे डेफिनेटली आपको जरूर फायदा होगा। जहाँ गया जहाँ जहाँ हमारे ऐसे ऐसा डॉक्टर मिला, कोई फायदा ही नहीं मिला। मैं तो वैसे तो गरीब था फिर भी मेरे को कोई फायदा नहीं मिला था, इसीलिए मेरे को डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा डॉक्टर साहब मिल गया, मेरी बीमारी भी ठीक हो गई। नारूनाथ जी का कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो इन्होंने शुरू में मुझे बताया था कि बेसिकली वो लेबर है, मजदूर है, तो इनको बहुत सी महंगी महंगी दवाइयाँ ये खाते थे, कई तरह के महंगे ट्रीटमेंट इन्होंने लिए थे, और उससे भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, मतलब पैसा खर्च करके भी इनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा था, जो आप कहना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया था, आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काफी अफोर्डेबल होती है और सेफ होती है, तो इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ये ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जैसा मैं कह रहा था, या इस वीडियो को मैक्सिमम आप लोगों तक पहुंचाएं कि कोई भी आदमी कहीं भी अगर ऐसी बीमारी से परेशान है तो जरूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और उनको डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू। Thank you.
हूँ।